थिंक आज का दिन जो है वो मुझे हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। एक काम करते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो कल रात से ही यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। वैसे तो जब से आए हैं तब से ही बारिश हो रही है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट है तो बारिश तो नहीं बनती है। अभी थोड़ी बारिश क्लियर होए तो हम बर्डिंग के लिए जाएंगे। रात को काफी सारे स्पीशीज ऑफ फ्रॉग्स और स्नेक्स देखे, और रात को जब हम वापस आए तो एक जो यहाँ के स्नेक रेस्क्यूअर हैं उनको कॉल आया कि एक विलेज में इंडियन कोबरा घुस आया है। तो फिर वो वहां से हम उनके साथ गए और देखा कि कैसे स्नेक को रेस्क्यू किया जाता है। तो बेसिकली पहले हम उनके विलेज के पास गए और स्नेक को एक बैग में पकड़ा, और कोबरास का हमेशा ऐसे टेरिटरी के पास ही रहना सही रहता है क्योंकि फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो उनको अगर विलेज से उठा के कहीं छोड़ना था तो 1-2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही छोड़ना होता है। हमने यहीं पास में जो जंगल की आउटस्कर्ट्स हैं वहीं पे उसको लेके गए और छोड़ा। दिन की नई शुरुआत बर्डिंग के साथ। बस एक ही चीज अच्छी नहीं लगी जंगल की, ये ऐसे मकड़ी के जाले मुंह पे जब लगते हैं ना, पहले मेरे कम से कम 10-12 मकड़ी के जाले ऐसे मुंह पे नाक में जा रहे हैं, आंख में जा रहे हैं, वो सबसे बेकार लगता है। ये तो बढ़िया एक्सपीरियंस है जंगल का। सो हियर वी हैव फाउंड कॉमन इंडियन टोड। ये कॉमन इंडियन टोड का जुवेनाइल है, यानी बच्चा है, और ये भी टेरेस्ट्रियल ही है, यानी ग्राउंड पे ही पाया जाता है। धमाका चैंपियन है, देखो इसके नीचे 100 है। 100 नहीं है, 100 स्केल है यार इसके नीचे। अरे आपको नहीं दिखते, मेरे को दिखते है। आई जस्ट नाउ लिफ्टेड एंड देन नाही म्हणून ठेवून गेलो। हा कोण लगाएगा? हा तो नाही म्हणून ठेवून गेलो मी, काही नाही आत मध्ये। जो हमने स्नेक देखा वो है सॉस्केल्ड वाइपर, एंड इट इज वन ऑफ द डेंजरस स्नेक्स, वन ऑफ द 4 डेंजरस स्नेक्स ऑफ इंडिया। सो कुछ स्नेक्स के स्केल्स के मिडल में एक लाइनिंग सी होती है जिसको कील बोलते हैं, और इसमें भी वो है जो कि आइडेंटिफिकेशन में काफी हेल्प करती है। और इनके जो कील्स होती हैं वो सेरेटेड होती हैं, सॉ की तरह आरी जिसे बोलते हैं, तो इसलिए इसको सॉ स्केल्ड वाइपर बोला जाता है। और ये इसकी टिपिकल मूवमेंट है जो कि अभी शो कर रहा है हमें, और ये हमें एक तरह से वार्निंग दे रहा है कि मतलब मुझसे दूर रहो। और जब ये ऐसे मूव करता है तो इसके जो सॉ स्केल्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं, जिसकी वजह से हिसिंग की साउंड ये प्रोड्यूस करता है, जो कि एक इसकी डिस्टिंक्ट साउंड है जिससे इसे पहचाना जाता है। स्नेल तो देखा, तो दिखता ही नहीं मुझे। कदम बंद करना अभी बारिश में। किधर है भाई ये? अरे वो खोलना अलग से है, नेक्स्ट लेवल कैमोफ्लेज है भाई इसका तो। एक जगह पे रखना है ना, हमारा आग निकल जाएगा रे। और फाइनली जिसे देखने में आया था इतनी दूर से वो मिल ही गया। सो दिस इज द मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग। दिस इज एन अर्बोरियल स्पीशीज, मतलब कि जो पेड़ पे ही पाया जाता है। और आप देख सकते हैं इसके फीट में वेबिंग है जिसकी हेल्प से ये एक ट्री से दूसरे ट्री तक ग्लाइड कर सकता है या फिर फ्लाई करके जाता है। इट इज़ ऑल्सो एंडेमिक टू इंडिया, यानी कि ये सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में ही पाया जाता है और कहीं नहीं। और इसके जो पीछे के पैर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, जो इसे एक जगह से दूसरी जगह मतलब काफ़ी दूर तक जंप करने में हेल्प करते हैं।
और उधर सामने बहुत जोर से बारिश हो रही है। पहला बार ग्लाइडिंग फ्रॉग देखा, बहुत ही ज्यादा सुंदर एनिमल यार, मजा आ गया देख के, दिल खुश हो गया। और अभी बहुत जोर से बारिश हो रही है। एंड अगेन हमें फिर से वही वाला स्नेक मिल दिखा है यहाँ पे एक और, दैट इज द सॉ स्केल वाइपर। व्हाट अ व्यू मैन, बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारा है यहाँ से दिख रहा है। फ्रॉग कहाँ चिपके बैठा है ये देखो अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मशरूम उग रहा है यहाँ पे डेड ट्री पे, ओहो कितने सारे हैं। और यहाँ पे आया एक और मिलीपीड। और इसमें रहने में मेरे को सबसे ज्यादा मजेदार बात ये लगती है कि बहुत कुछ मिल जाता है देखने को। आप एक ही जगह खड़े रहो, कहीं मत जाओ, और वहां पे आपको इतनी सारी अमेजिंग चीजें देखने को मिल जाती है। मशरूम है बहुत सारे इस पेड़ पे, ये लेकिन ये डिफरेंट टाइप के हैं, ब्रैकेट शेप में है तो इसलिए इसको ब्रैकेट मशरूम कहते हैं। This is not a snake, neither a worm. Instead, this is an amphibian. Yes, this is a Sicilian, जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता है क्योंकि ये अंडरग्राउंड रहते हैं और बहुत rarely ही दिखते हैं। And guess what? This is the only land vertebrate species to have tentacles. इसकी eyes और nostril के बीच tentacle होता है जो इससे अपनी surrounding को sense करने में मदद करता है। अभी नाइट ट्रेल हमारा ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है। लेट्स सी कौन कौन से सांप दिखेंगे। सो दिस इज अ गेको, ये लिजर्ट का ही एक टाइप है। इनकी एक बहुत खास बात यह है कि कभी आंखें नहीं झपकते, इसलिए बार बार अपनी जीभ से आंखें साफ करते हैं, और ये कम्युनिकेशन के लिए कई तरीके की आवाजें भी निकाल सकते हैं। हाउ कूल इज दैट। यहाँ पर हमें एक स्नेक मिला है जिसपे स्पाइडर मजे से बैठा हुआ है, और ये स्नेक नॉकटर्नल है, मतलब कि रात में एक्टिव रहता है। ये घने जंगलों में जनरली ट्रीज पर ही मिलता है। देखने में तो ये बड़ा स्लो मूविंग स्नेक लगता है, बट मैं आपको बता दूं कि इट इज़ हाईली वेनमस स्पीशीज़। अगर इसको थ्रेटन किया तो ये लाइटनिंग स्पीड से काट सकता है, विच इज़ हाईली डेंजरस। ये स्नेक काफ़ी और स्नेक्स की तरह कलर मॉर्फिज्म शो करता है, मतलब कि ये काफ़ी कलर्स में पाया जाता है। और इस स्नेक की सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग बात यह है कि ये एग्स ले नहीं करता, ये सीधा अपने यंग ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। ए लाइट लाइट दो लाइट दो, ऐसे ही रिकॉर्ड शॉट लेके रखो। लाइट दो लाइट, रिकॉर्ड शॉट ले लो यार, लाइट ज़्यादा तो नहीं है ना, थोड़ा कम करो लाइट। मैं वैसा नहीं कर सकता, अब मेरा उसका ये नहीं है, दोस्त नहीं है वो। I told you green light snakes are very common. सॉल नहीं है। Oh God. कुछ पकड़ा हो? Frog, frog. ऐसा बोला जाता है कि ये स्नेक यानी ग्रीन वाइन स्नेक का दिन में एक्टिव रहता है, रात में नहीं, बट यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है हमको। स्नेक्स के जो दांत होते हैं, बट वो चबाने के लिए यूज़ नहीं होते,
वो सिर्फ अपना खाना पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं, और बाकी जो इनकी बॉडी के फ्रंट पार्ट के मसल्स हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं जो कि खाने को स्टमक तक डायरेक्ट स्वैलो करके पहुंचा देते हैं। जनरली स्नेक्स हफ्ते या दो हफ्ते में एक बार फीड करते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ साल में दो बार फीड करते हैं। अभी वो ऊपर जाके पूरी नाइट रेस्ट करेगा, अब जाके कॉइल होके रेस्ट करेगा वहाँ पे। क्या नंबर? ये टेरेंटुला है, इट इज अ टाइप ऑफ स्पाइडर विद लॉट्स ऑफ हेयर्स। अभी देखा हो गया समझो। यहाँ पर हमें दिख गया एक बहुत ही बड़ा स्नेक, ये एडल्ट है हम्पनोज पिट वाइपर का। ये एक टेरेस्ट्रियल स्पीशीज ही है, यानी मतलब लैंड पे ही रहता है रॉक्स वॉक्स के नीचे। और ये भागा 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 भाई। और उसके पास ही हमें एक जुवेनाइल भी दिखने को मिल गया उसी सेम स्पीशीज का। इस हम्पनोज पिट वाइपर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसका जो हेड है उस पर एक हम्प जैसा दिखता है, तो इसलिए इसको हम्पनोज पिट वाइपर कहते हैं। आज का दिन जो है वो मुझे हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। आज का जो मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग वाला मोमेंट था वो तो मतलब एकदम स्पीचलेस यार। और भी जो बाकी स्नेक्स देखे हमने वो बहुत ही ज्यादा मतलब समझ जाओ। बट द सैड ट्रूथ इज इन सब स्पीशीज का हैबिटेट एकदम खत्म होते जा रहा है, और इनके खत्म होते ही ह्यूमंस भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट में भी हुआ है वो हम सबको पता ही है, कंजर्वेशन करने का यही अभी टाइम है। और कंजर्वेशन करने के लिए हमें स्पीशीज की नॉलेज होनी ज़रूरी है, अगर उसके बारे में हमें पता ही नहीं होगा तो हम उसकी कंजर्वेशन कैसे करेंगे, उसका हैबिटेट, उसकी लाइफ साइकिल, उसका प्रे वगैरह, वो क्या खाता है, वो सब पता होना चाहिए। होपफुली इस वीडियो से मैं आपको कुछ नॉलेज दे पाया हूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। इतना ही रखते हैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय बाय। लाइफ ऑफ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऊपर बैठ गया है फॉरेस्ट को। और ये मशरूम के पास आया है, खूबसूरत सा कैटरपिलर तो नहीं है, मिलीपीड या सेंटीपीड है, क्या है भाई तू? ये मिलीपीड है क्योंकि इसके दोनों तरफ से बहुत सारे पैर हैं, अगर दिख रहे हो तो देखो कितने सारे पैर हैं, इसलिए इसको मिलीपीड कहते हैं। अगर एक एक ही साइड से एक ही इसका लेग निकले तो उसको सेंटीपीड कहते हैं।